हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे मैं खनक की कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि 9 बजे इसकी आएगी वेन। तो मैं इसकी कंघी कर रही हूँ और इसकी मैंने कल चोटी की थी जो बुरी तरह उलझ गई थी और ये बाल नहीं कटवाती है। तो मैं यहाँ नहा धोकर आ गई थी, इसका टिफ़िन भी रेडी कर दिया है, इसने खा ली है और यहाँ मुझे करने नहीं दे रही थी तो मुझे गुस्सा भी आ रही थी। और ये भी देखिए इसका मुँह किस तरीके से बना रही है, और जब भी बाल कटिंग के बोलो तो रोने लग जाती है और इस तरीके से बाल उलझ जाते हैं, क्योंकि ये जब वेन में जाती है तो हवा से बिल्कुल बाल बहुत बुरी तरीके से उलझते हैं। तो मैं कहती हूँ सिर्फ कि बेबी कटिंग करा लो, लेकिन नहीं सुनती है। तो यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी और बहुत टाइम लग जाता है, लगभग मुझे 6-7 मिनट लग गए थे इसकी कंघी करने में। तो यहाँ मैं फटाफट कर रही हूँ, यहाँ मैंने काफ़ी स्पीड बढ़ा दी वीडियो की। तो आप लोग ये ना करिएगा कि आराम से करिए, बच्ची है, क्योंकि आप लोग कमेंट करने लग जाते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी ऑयलिंग कर दी हूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा कंघी करने में। तो देखिए किस तरीके से ये बहुत मज़े ले लेकर तैयार होती है, क्योंकि बच्चे होते हैं इनको टाइम से कोई लेना देना नहीं होता, इन्हें तो सोकर उठ के खेलना होता है कि हमें खेलना है, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन वे ना जाती तो वैसे ही नाचने लग जाती है। तो यहाँ से देखिए मैंने फटाफट इसकी चोटी बना दी, उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि अभी खाना नहीं बनाया है, बस इसके लिए पूड़ियाँ और आलू की सब्ज़ी बना दी थी मैंने, और दूध रखा था तो दूध इसने पूड़ी के साथ में खा ली थी और ब्रेड खा ली थी। और मैं आ गई थी यहाँ फिर अपना खाना बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने फ्राई कर दी हूँ सेमी और भटे, जो इन्हें मैंने तल के निकाल ली थी पहले तेल से। और मैंने यहाँ पे ले ली हूँ पालक, इसे मैंने उबाल के पीस लिया है मिक्सी में अच्छे से। और इस तरीके से किसी भी सब्ज़ी में पालक मिक्स करके बनाओ तो उसमें का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं हमेशा कभी भी पालक इसी तरीके से बनाती हूँ, कभी कुछ मैं आलू में डाल देती हूँ, कभी भटे में, सेमी में, इस तरीके से। तो देख सकते हैं इसका कितने अच्छे से तेल ऊपर आ गया है। और साथ में थी पूरी और चावल, तो मैं चावल बन चुका है और पूरियाँ भी बन चुकी हैं। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी बस लास्ट में था, क्योंकि इनका भी टाइम हो जाता है 10 बजे, तो साथ साथ में इनको भी खाना रेडी करना पड़ता है, इसका टिफ़िन भी। और ये लास्ट में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, इसी का था पानी जो डिब्बा धुली थी मैं, और ये गरम करके मैंने थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ, क्योंकि इन्हें ग्रेवी चाहिए होती है हर सब्ज़ी में ग्रेवी, इसलिए मुझे थोड़ा गरम पानी किसी भी सब्ज़ी में डालो तो उसका टेस्ट चेंज नहीं होता है। तो देखिए मैं इस तरीके से धनिया कट करके इस गंजी में डाल दी थी, और इसमें मैं सब्ज़ी पलट दूंगी तो और इसे ढक दूंगी तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और साथ साथ में इधर आ गया था हमारा दूध भी, तो यहाँ दूध भी गर्म करके रख दी हूँ। और यहाँ मेरा चावल बन चुका है, ये सब्ज़ी है। और खाना बनाने के बाद में निकल जाते हैं यहाँ खूब सारे बर्तन, आज तो कम है, बहुत कम है बर्तन, ये तो कभी इससे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज मेरा काम थोड़ा जल्दी हो गया था। और यहाँ देखिए 1600 वाट पे हमारा दूध उबल रहा है, क्योंकि जस्ट अभी रखी हूँ, उसको देखना पड़ता है नहीं तो बहुत जल्दी उबाल आ जाता है, फिर उसके बाद में इसे 100 या 70 पे कर देती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ठंड की वजह से इन्हें जलाए अंगार, लेकिन उसकी वजह से पूरे रूम में धुआं धुआं सा फैल गया है। और ये यहाँ देखिए ये जलाए हुए हैं अंगार यहाँ पर, और इसकी वजह से पूरा हर जगह धुआं फैला हुआ है। और ये पी गए हैं चाय पत्ती लाने के लिए, मैं चाय बनाने के लिए सोची थी तो आपको दिखाती हूँ मैं कि मैं किचन में बना रही हूँ चाय। तो यहाँ मैंने तैयारी कर ली थी, लेकिन मैंने आज सोचा कि जो वायरल चाय चल रही है आज मैं वो वाली बनाऊँगी, तो मैं कढ़ाई में बनाऊँगी चाय। उसके लिए मैंने यहाँ पे अदरक ले लिया हूँ, दूध, ये है शक्कर का डिब्बा, और ये मेरा चाय पत्ती का, तो चाय पत्ती होगी खत्म, अभी फटाफट चाय पत्ती आती है। और ये मेरे प्यारे प्यारे कप तैयार हैं चाय पीने के लिए। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चाय, देखिएगा किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे आ गई चाय पत्ती ताज़ा, तो उसको डाल देते हैं हम डिब्बे में। क्यों डाल रही हैं मम्मा आप? तो पहले खाली करना पड़ेगा ना इसमें, लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पे मेरी गैस चालू हो चुकी है, तो यहाँ मैं डालूँगी 2 कप बनाना है तो 21 चाय पत्ती, थोड़ी सी और डाल देती हूँ। और यहाँ डालेंगे हम शक्कर, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, 2 कप बनाना है, 2 चम्मच डाल दी हूँ मैंने। अब इसको हम मिक्स करेंगे, यहाँ देखिए हमारी चीनी पिघलना स्टार्ट हो चुकी है।
लेके गाइस आधी से ज़्यादा वो हो चुकी, तो हमने इसमें अदरक डालेंगे अब इसमें हम। तो यहाँ देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है, अब इसमें डालेंगे हम दूध। मेरी तो चाय पूरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही मैंने इसमें पानी दूध डाली तो ये चम गई इस तरीके से ये। तो फ्रेंड्स यहाँ जो मैंने गलती की हूँ वो ये की हूँ कि मैंने यहाँ ठंडा दूध डाला, एक्चुअली मुझे यहाँ गर्म दूध डालना था, तो ये जमता नहीं ठंडे दूध से, ठंडे दूध से जम गया, गर्म दूध से जमती नहीं। वैसे चाय पीने के बाद में बताएंगे कि चाय टेस्ट में कैसी लगी। वैसे निकल गया ये, जैसे गर्म हुआ तो निकल गया है सब। ये देखिए मेरी चाय बन के रेडी है, अब मैं पी के बताती हूँ कैसे बनी है। तो मेरी ये वायरल चाय बन चुकी है, चलो पी के बताते हैं कैसे बनी है। वाओ नाइस, बहुत गजब टेस्ट है। चलो इनको ले जाकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बज चुके हैं 7:45 और मैं बनाने जा रही हूँ खाना अभी। तो मैं सिर्फ खाने में बना रही हूँ चावल, क्योंकि सुबह मैंने पालक बनाई थी तो वो रखी हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से ये कुकर मेरा चावल का चढ़ा हुआ है, और यहाँ मैं सब्जी गरम कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी सब्जी बनी हुई थी। और यहाँ देखिए बर्तन निकल गए हैं चाय के, जो मैंने आज कढ़ाई में चाय बनाई थी, और ये मेरे कल के बर्तन है, मैं भूल गई थी स्कूल में तो आज लेकर आई हूँ। और ये कनक का टिफ़िन है, ख़त्म नहीं की है। तो चलिए जल्दी से मैं बना लेती हूँ खाना फिर।